जेई मेंस का एग्जाम आ गया है पास। अब कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में जिनको कवर करने के बाद एटलीस्ट हम 50% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर अभी भी हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो मॉडर्न फिजिक्स है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है और बहुत कम टाइम टेकिंग है, उनको तुम अभी भी कवर कर सकते हो। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिनको मैं सेकंड में रखना चाहूंगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अगर आप केमिस्ट्री में कवर कर लेते हो, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट अगर आपको आता है या थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको आता है, तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं उसका फायदा बहुत ईजिली आपको मिल सकता है। साइन कन्वेंशन बस डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ लगभग सेम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑप्टिक्स, काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हाँ ईजी है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, इनको तुम कवर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मेंस स्पेसिफिक टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, जिसे हर साल सवाल आता ही आता है, स्कोरिंग भी है और कम टाइम टेकिंग भी है। उसके अलावा ग्रेविटेशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जिनको तुम अगले 1 से 1.5 महीने में इजिली कवर कर सकते हो और स्कोर भी कर सकते हो, मतलब इनके सवाल छूटने के चांसेस कम होते हैं। हमारा जो नया रैंक बूस्टिंग कोर्स 15 दिसंबर से अनाउंस होने वाला है, जिसमें हम लोग मेनली इन टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करने वाले हैं। अगर आप किसी जेई मेंस स्पेसिफिक क्रैश कोर्स की तलाश में हो तो आप रैंक बूस्टिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन कोड के लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि लिंक में दिया गया है। डोंट फॉरगेट टू फिल द गूगल फॉर्म, ये पर्टिकुलरली जेई मेंस टारगेटेड ही होगा, ठीक है। और जो भी टॉपिक का मैंने नाम बताया उन टॉपिक पे अभी भी फोकस करना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन तुम इजिली अटेम्प्ट करके आओगे और सवाल बन जाएंगे। बाय, टेक केयर।